नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा में उपचुनाव है। 5 दिसंबर को मैनपुरी और रामपुर में वोटिंग होगी। बड़ी खबर, 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई थी मैनपुरी सीट, बड़ी खबर इस वक्त की। तो आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर रामपुर में उपचुनाव, बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, चुनाव होने हैं, बड़ी खबर। मुलायम सिंह यादव के बाद खाली हुई है सीट, बड़ी खबर लखनऊ से। मैनपुरी से बड़ी खबर तस्वीरों के साथ, तस्वीरों के साथ इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक लेटर के साथ ये तो वहीं मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार कार का पहिया निकल गया। पीछे से तेज रफ्तार आ रही बुलेरो कार ने यहां बचने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, चलती कार का पहिया निकल गया। पीछे से आ रही बुलेरो कार जो थी वो अनियंत्रित हो गई, खुद को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया ट्वीट, विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। जयंत का यह कहना है, 1 महीने बाद भी कोर्ट का आदेश सचिवालय को नहीं मिला, इसलिए सैनी के स्थान को रिक्त घोषित नहीं कर पाए। तो विपक्षी सदस्यों की सेवा त्वरित खत्म हो जाती है, ये जयंत चौधरी का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी अहम खबर। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, ये कहना है जयंत चौधरी का। 1 महीने बाद भी कोर्ट का आदेश सचिवालय को नहीं मिला, इसीलिए सैनी के साथ स्थान को यहां पर रिक्त घोषित नहीं कर पाए हैं। विपक्षी सदस्यों की सेवा त्वरित खत्म हो जाती है, बड़ी खबर। तो ये ट्वीट किया गया है जयंत चौधरी की ओर से, बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये ट्वीट किया गया है जयंत चौधरी की ओर से, दुर्भाग्य है, ये उन्होंने लिखा है, विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, दुर्भाग्य है। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के संदर्भ में एमपी एमएलए कोर्ट ने निर्णय लिए हैं, बड़ी खबर है, ये ट्वीट किया गया है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान के प्लॉट रजिस्ट्री कराने में यहां 8 लाख से ज्यादा के स्टाम्प कमी के आरोप एसडीएम के द्वारा यहां पर जांच जो थी वो सही पाए गए हैं। अब्दुल्ला आजम ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से डीएम कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया था। इस पर डीएम ने एसडीएम को लगभग 1.5 साल पहले जांच सौंपी थी। कई बार रिमाइंडर के बाद भी एसडीएम ने जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। इस मामले में डीएम की नाराजगी जाहिर करने के बाद यहां पर जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। अब जो हमारे माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला आजम खां, इन्होंने सिरी रोड पर एक प्लॉट खरीदा था अब से लगभग 2-3 साल पहले, और वो प्लॉट जो था उसको इन्होंने लिंक रोड दिखाते हुए, जो आपके मुर्तजा नहीं सॉरी राहे मुर्तजा
राहे मुर्तजा की तरफ रास्ता ना दिखा गए उसको लिंक रोड पर दिखाते हुए उसका बैनामा कराया था। सब स्टार सदर ने उसका मौका मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि ये लिंक रोड पर तो है ही है, साथ में सेगमेंट रोड पर भी इस प्लाट का रास्ता खुलता था। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, दो बाइक की आपस में ही टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक सवारों ने यहां मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। थाना दक्षिण की कंपनी बाग चौराहे के पास का पूरा मामला है ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर है जहां दो बाइकों की आपस की टक्कर हुई। टक्कर के बाद बाइक सवारों ने यहां पर मारपीट शुरू कर दी जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। थाना दक्षिण के कंपनी बाग चौराहे के पास का पूरा मामला है ये। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। यहां पर दो बाइक सवारों की आपस की ये टक्कर हुई। आपस की टक्कर के बाद यहां पर मारपीट इनकी शुरू हो गई। आपसी टक्कर के बाद यहां मारपीट आपस में इन दोनों की यहां शुरू हो गई। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपस की टक्कर के बाद दोनों ही यहां बाइक से उतरे और आपस में ही भिड़ गए। इन्हें गाड़ी ठोकी थी, इन्हें सीधी मारपीट करी। आपने तीन लोग थे, इन्हें मारे थी हमने। कहां के रहने वाले तुम? माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक और बेटे अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास को समन भेजकर पूछताछ के लिए प्रयागराज स्थित कार्यालय बुलाया गया था। दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक पूछताछ के बाद उसका मेडिकल कराया गया। उसके ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया। कुछ पता नहीं, हमने अधिकारी से पूछा कहाँ ले जा रहे हो और बस कुछ बोलने कुछ कुछ कोई जवाब नहीं दिया। उनको अपनी गाड़ी में बैठा लेके अटिका गाड़ी लेके चले गए। 8 बजे आए थे, 2 बजे से 11 बजे तक पहुंचा चली और अचानक जो है टीडी दफ्तर लेके चले गए। भैया हम अब्बास अंसारी जी के साथ आए थे और भैया के साथ उनका ईडी में इंक्वायरी थी, पूछताछ थी। पूछताछ करने पर उन्होंने रात को 11 बजे गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे तक इंक्वायरी चली हुई है। पता नहीं मुझे, मैं तो ढूंढूंगा ना। पूछा आपको भी बुलाया गया था ऊपर ईडी? हाँ, मुझे भी बुलाया गया था। आपके साथ कोई पूछताछ? मुझसे कोई पूछताछ नहीं, मेरे सिर्फ आईडी वेरीफाई थी वहाँ पे। अब अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी जी, तो आप लोग अब क्या करेंगे? ये हम लोग का चारा वही जाया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। 7 नवंबर को राज्य कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। यूपी में आंदोलन होगा तेज। यूपी के सभी जिलों में होगा प्रदर्शन। 11 बजे से 3 बजे तक होगा विरोध प्रदर्शन। डीएम आवास के सामने ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन। 7 नवंबर को राज्य कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। यूपी में आंदोलन तेज होगा। यूपी के सभी जिलों में प्रदर्शन होगा। 11 बजे से 3 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा डीएम आवास के सामने। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि प्रदेश में जघन्य मुकदमों में भी सजा दिलाने में तेजी आ चुकी है। अपराधियों को भी सजा दिलाकर सरकार ने पेश की मिसाल। बीते 10 महीनों में 111 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। गोरखपुर बना सख्त पैरवी कर सजा दिलाने में नंबर 1। 209 मुकदमों में मजबूत पैरवी में यहां पर लगभग 359 को सजा मिली है। हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और 45 मुकदमे में 111 को सजा हुई है। बड़ी खबर। तो लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर है जहां प्रदेश में जघन्य मुकदमों में सजा दिलाने में जो है वो तेजी आई है।
बीते 10 महीनों में 111 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। अपराधियों को सजा दिलाकर सरकार ने पेश की मिसाल। बड़ी खबर इस वक्त की, गोरखपुर बना सख्त पैरवी कर सजा दिलाने में नंबर वन। तो हत्या दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के 45 मुकदमों में 111 को सजा हुई है। तो भाई लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, राजधानी लखनऊ की हवा भी जहरीली हो गई है। यहां पर ताल कटोरा लालबाग को किया गया है रेड जोन घोषित। बड़ी खबर, लखनऊ के दो इलाकों का यहां पर जो AQI है वो गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। लखनऊ का AQI दिल्ली के इलाकों के आसपास पहुंचा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद लखनऊ भी हुआ प्रदूषित। लखनऊ का कुल AQI पहुंचा 300 के करीब। लोगों को हो रही है सांस लेने में दिक्कत। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ की हवा भी जहरीली हो गई है। ताल कटोरा लालबाग को किया गया है रेड जोन घोषित। लखनऊ के दो इलाकों का AQI गंभीर स्थिति में पहुंचा। लखनऊ का AQI दिल्ली के इलाकों के आसपास पहुंचा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद अब लखनऊ भी प्रदूषित हो गया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। BRD मेडिकल कॉलेज में होंगे सम्मिलित। 100 साल पूरे होने पर ये सम्मिलित होंगे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। राज्य मंत्री मयंक ईश्वर शरण सिंह भी रहेंगे मौजूद। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री हैं मयंक ईश्वर शरण सिंह। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। BRD मेडिकल कॉलेज में वो सम्मिलित होंगे। 100 साल पूरे होने पर हो रहे हैं सम्मिलित। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री मयंक ईश्वर शरण सिंह भी रहेंगे मौजूद। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री हैं मयंक ईश्वर शरण सिंह। तो BRD मेडिकल कॉलेज में होंगे सम्मिलित। 100 साल पूरे होने पर सम्मिलित होंगे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। राज्य मंत्री मयंक ईश्वर शरण सिंह भी रहेंगे मौजूद। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री हैं मयंक ईश्वर शरण सिंह। बड़ी खबर, फरुखाबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आसमान में धुंध से AQI पहुंचा है 348, खतरनाक स्तर पर पहुंची है वातावरण की हवा। चारों तरफ धुंध छाने से मौसम में आई है गिरावट। AQI 348 पहुंचने से लोग चिंतित। बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी खबर फरुखाबाद से, आसमान में धुंध से AQI पहुंचा है 348, खतरनाक स्तर पर पहुंचा है वातावरण। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि खतरनाक स्तर पर पहुंची है वातावरण की हवा। चारों ओर सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। बड़ी खबर, तो हर तरफ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध ही नजर आएगी। फरुखाबाद की ये तस्वीर, जहां आसमान में धुंध से AQI जो है वो 348 पर पहुंच चुका है। खतरनाक स्तर पर पहुंची है वातावरण की हवा।
तो चलिए अब सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री महिंकेश्वर शरण सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ल जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर ब्रजेश पासवान जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश कुमार जी, स्वर्ण जयंती समारोह के इस आयोजन की अध्यक्ष डॉक्टर रीना श्रीवास्तव जी, आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर अमित मिश्रा जी और आज के इस स्वर्ण जयंती समारोह के इस मुख्य समारोह में बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जिन चिकित्सकों ने अपनी शिक्षा ली और आज उसके इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं, ऐसे सभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित चिकित्सकों का, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स का, यहां के वर्तमान के सभी चिकित्सकों का, छात्र छात्राओं का स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती रहे, इस विश्वास के साथ अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं सभी चिकित्सकों का जिन्होंने जो प्रथम बैच किए हैं, और मुझे देख करके यहां पे आश्चर्य हो रहा था कि प्रथम बैच से जुड़े हुए तमाम जो यहां से निकले हुए चिकित्सक हैं, 50 साल के बाद भी उनके अंदर जो जवानी दिखाई दे रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सचमुच पूरे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। भाइयों बहनों, व्यक्ति हो या संस्था, 50 वर्ष का कार्यकाल उसके जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। मनुष्य के ही जीवन में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये मानते हैं, सामान्यतः हमारी ये मान्यता होती है कि व्यक्ति 100 साल तक जिएगा, 50 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह व्यक्ति अपने सामाजिक और पारिवारिक कोष से इतना दब चुका होता है कि उसके सामने आगे के ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और इसलिए भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से ही भारत की व्यवस्था को चार भागों में विभाजित किया। ये चार, पहला आश्रम, जहां पर व्यक्ति अपनी स्वयं की
शिक्षा दीक्षा में पूरा जीवन यापित करे, यानी वह समाज पे निर्भर रहकर के कार्य करे। दूसरा आश्रम जहां पर उसे अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना है, और अपने पैरों पर खड़ा होते हुए समाज को भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान देना है। जैसे सामान्यतः हमारे यहां आश्रम की पद्धति में गृहस्थ आश्रम के रूप में मान लिया गया। तीसरा आश्रम ये वानप्रस्थ का माना जाता है, जहां पर व्यक्ति अब तक उसने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो कुछ भी अर्जित किया है, अब वह केवल अपने लिए नहीं, अब उसको समाज की तरफ ज्यादा उन्मुख होना है, समाज के लिए ज्यादा कार्य करना है। अब तक वो अपने परिवार तक सीमित था, परिवार के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा था, अब उसे समाज पर फोकस करना है और समाज के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ, देश के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ना होता है। और चतुर्थ आश्रम जिसे सामान्यतः संन्यास आश्रम के मान लिया जाता है, जिसका मतलब अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ समाज का है, राष्ट्र का है, और उसके लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य करना। और ग्यारी मेडिकल कॉलेज के लिए तीसरा आश्रम प्रारंभ हुआ है, यानी अब तक ग्यारी मेडिकल कॉलेज हमारे सामने चैलेंज था। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से ग्यारी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहा हूं, और मैंने इस बात को महसूस किया है, ग्यारी मेडिकल कॉलेज उपेक्षा का दंश झेला, यहां पर अस्तित्व का संकट भी खड़ा हुआ, और एक समय तो ऐसा लगा मुझे कि हम लोग ये मानते थे कि अगर वास्तव में मेडिकल कॉलेज के यहां पर पहिए होते तो ये भी यहां से कहीं शिफ्ट हो गया होता। लेकिन आज ग्यारी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है, और अब एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए ग्यारी मेडिकल कॉलेज को तैयार होना है, और इसमें पुरातन और नवीन का बेहतरीन संगम इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर देखने को मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट काम किया है, लेकिन अपनी विशिष्टता को केवल अपने तक सीमित रखना ये उपलब्धि नहीं हो सकती। आपने जो कुछ भी किया है उसको समाज को समर्पित करने की बारी अब आ चुकी है। खासतौर पर जिन लोगों ने ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज और अपने जीवन के भी 50 साल पूरे कर लिए हैं, उनको अब समाज की तरफ उन्मुख किस रूप में होना है। एक चिकित्सक का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है, लेकिन अब हम अपने ज्ञान के इस प्रचार प्रसार को और तेजी के साथ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण अवसर आप सबके सामने होगा। आज चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया के अंदर बहुत कुछ नया हुआ है, और नयापन तो देखने को मिला है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम सबने झेला है, देखा है, नजदीक से देखा है, महसूस किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा केंद्र था, और बेहतरीन परिणाम भी ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज ने दिया। उन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में बीमारी का उपचार ही क्या उसका सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना महामारी ने हम सबके सामने ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समय से लिए गए निर्णय, टीम वर्क, और अगर हम थोड़ी सावधानी रख करके बचाव के उपाय पर ध्यान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें, तो बड़ी से बड़ी महामारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और आपके सामने उदाहरण है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएस और यूरोप भारत से बहुत आगे हैं, लेकिन कोरोना प्रबंधन में
भारत का परिणाम इनसे बहुत आगे है, बहुत आगे है, ये आप सबने देखा होगा। मौत के आंकड़ों की काउंट नहीं की जा सकती। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।